सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स एज यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि युवराज के ना खेलने की वजह से मुंबई की टीम हारी तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2019 का एक और रोमांचक व 27वां मुकाबला राजस्थान और मुंबई की टीम के बीच में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। खास तौर पर अगर इस मुकाबले की बात करी जाए तो आपको बता दें कि इस मुकाबले में टॉस जीतकर राजस्थान की टीम के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, लेकिन हर मुकाबले की तरह इस बार भी राजस्थान की टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही, क्योंकि मुंबई की टीम की सलामी जोड़ी यानी कि कप्तान रोहित शर्मा व बल्लेबाज क्विंटन कॉक ने मैदान पर आते ही आक्रामक रूप से बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी थी। और दोस्तों, कुछ इसी तरीके से हार्दिक पांड्या और रोहित शर्मा की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के चलते मुंबई इंडियंस की टीम आज राजस्थान की टीम को 188 रनों का विशाल लक्ष्य देने में भी कामयाब रही। लेकिन आज जब राजस्थान की टीम इतने विशाल लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान में उतरी तो उनकी शुरुआत कुछ ऐसी रही जिसकी तो किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, भले ही 188 रनों का लक्ष्य काफी विशाल था, लेकिन राजस्थान की टीम के बल्लेबाजों के आगे नहीं। जी, आपको बता दें कि इस टीम की सलामी जोड़ी यानी कि जॉस बटलर और अजिंक्य रहाणे ने तो मैदान पर आकर आज रोहित शर्मा और पांड्या से भी ताबड़तोड़ रूप में बल्लेबाजी करके दिखाई। सिर्फ इतना ही नहीं, आपको बता दें कि दोनों ही खिलाड़ियों ने शुरुआती ओवर्स में ही टीम के स्कोर को 50 के पार पहुंचा दिया था। तो फिर पारी के 7वें ओवर की दूसरी गेंद पर कृणाल पांडे ने किसी तरीके से अजिंक्य रहाणे का विकेट ले लिया, लेकिन अजिंक्य रहाणे अब तक अपनी पारी में 21 गेंदों में 37 रन लगा चुके थे और कहीं न कहीं बटलर के साथ मिलकर उन्होंने अपनी टीम को एक मजबूत शुरुआत दिलवा दी थी। इसके बाद तो मैदान में जॉस बटलर और भी ज्यादा आक्रामक रूप से बल्लेबाजी करने लगे और उनका साथ संजू सैमसन ने भी बखूबी निभाया। दोस्तों, आपको बता दें कि बटलर ने अकेले ही तूफानी बल्लेबाजी करते मुंबई की टीम के लगभग हर एक गेंदबाज की जमकर धुनाई करके रख दी थी। आपको बता दें कि 230 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हुए जॉस बटलर ने केवल 43 गेंदों का सामना करते हुए 89 रन अपनी पारी में लगा दिए थे, जिसमें उन्होंने 9 चौके तो 8 गगनचुंबी छक्के भी लगाए थे। हालांकि फिर मुंबई की टीम के स्पिनर गेंदबाज ने पारी के 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर बटलर को एक बड़ा शॉट मारने पर मजबूर कर दिया, जिसके कारण वह कैच आउट हो गए और उनकी यह पारी 89 रनों पर ही समाप्त होकर रह गई। परंतु उसके बाद राजस्थान की टीम के बचे कुचे बल्लेबाजों ने भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके दिखाई और एक समय पर मैदान में राजस्थान की टीम अब मुंबई की टीम पर पूरी तरीके से हावी भी हो चुकी थी। और दोस्तों, कहीं ना कहीं यह कहना भी गलत नहीं होगा कि रोहित शर्मा का युवराज सिंह को इस मुकाबले में ना खिलाना भी भारी पड़ गया, क्योंकि अगर वह टीम में होते तो कहीं ना कहीं आज मुंबई की टीम राजस्थान की टीम को एक बड़ा लक्ष्य भी दे सकती थी। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राजस्थान और मुंबई की टीम के बीच में खेले गए इस रोमांचक मुकाबले में जॉस बटलर की धाकड़ बल्लेबाजी के कारण मुंबई की टीम इस मुकाबले में चाहकर भी नहीं जीत पाई। मुंबई की टीम ने भले ही आज इस मुकाबले में राजस्थान की टीम को 188 रनों का विशाल लक्ष्य दिया था, लेकिन हम सभी जानते हैं कि वानखेड़े स्टेडियम में 200 का लक्ष्य देना कोई बड़ी बात नहीं, जिसके जवाब में बिल्कुल उल्टा ही हो गया और राजस्थान की टीम की तरफ से जॉस बटलर की शानदार बल्लेबाजी व अजिंक्य रहाणे की ताबड़तोड़ शुरुआत की वजह से राजस्थान की टीम इस मुकाबले में जीतती हुई चली गई। साथ ही दोस्तों, इस हार के बाद सबका तो यही मानना है कि युवराज सिंह को ना खिलाना कहीं ना कहीं मुंबई की टीम को भारी पड़ रहा है। और जब यही बात प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा से पूछी गई तो उनका जवाब भी कुछ ऐसा था कि सबके होश उड़ गए। आपको बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा ने कहा कि इस बात में तो कोई शक नहीं कि इस मुकाबले में हमारी टीम के खिलाड़ियों ने गेंदबाजी से लेकर बल्लेबाजी में अपना 100% देना चाहा, लेकिन विरोधी टीम आज हमसे एक कदम आगे रही। मैं तारीफ करना चाहूंगा राजस्थान की टीम के कप्तान अजिंक्य रहाणे और जॉस बटलर की, जिन्होंने अपनी टीम को एक शानदार शुरुआत दिलाई और अपनी टीम के बाकी बल्लेबाजों का भी मनोबल बढ़ाया और घर के बाहर इस मुकाबले को जीता। बहरहाल, हमारी कोशिश रहेगी कि हम अगले मुकाबले को जीतकर आईपीएल के टूर्नामेंट में अपनी वापसी जरूर कर सके। दोस्तों, इसके बाद जब रिपोर्टर ने रोहित शर्मा से यह पूछा कि इस मुकाबले में मुंबई की टीम राजस्थान की टीम को और ज्यादा बड़ा लक्ष्य भी दे सकती थी तो क्या यही टीम की हार का बड़ा कारण रहा, तो इस बात का जवाब देते हुए रोहित शर्मा ने कहा कि इस बात में तो कोई शक नहीं कि 188 रनों का लक्ष्य कोई छोटा लक्ष्य है, लेकिन मैं मानता हूं कि आज हमारी टीम के मिडिल ऑर्डर में अगर युवराज सिंह होते तो हम विरोधी टीम को और ज्यादा बड़ा लक्ष्य दे सकते थे, परंतु हमारी टीम मैनेजमेंट यही चाहती है कि युवराज सिंह आने वाले सभी बड़े मैच खेले, इसीलिए वह टीम से बाहर है। बहरहाल, कहीं न कहीं आज विरोधी टीम को बड़ा लक्ष्य ना देने की वजह से भी हमारी टीम इस मुकाबले में हार गई है, तो आने वाले सभी मुकाबलों में हम अपनी बल्लेबाजी पर और भी ज्यादा ध्यान देंगे। दोस्तों, अपने इस बयान में रोहित शर्मा ने इस बात को कबूला कि युवराज सिंह का टीम में ना खेलना कहीं ना कहीं उनको भारी पड़ रहा है, क्योंकि मुंबई इंडियंस की टीम चाहकर भी राजस्थान की टीम को 200 या फिर उससे बड़ा लक्ष्य नहीं दे पाई, जिससे कि वह इस मुकाबले में आसानी से जीत सकती थी। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या अगले मुकाबले के लिए रोहित शर्मा को युवराज सिंह की टीम में वापसी करानी चाहिए या नहीं, इस बात का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।